हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में रिलायंस पावर लिमिटेड को लेकर के। आर पावर पैनी स्टॉक है, डेफिनेटली 12 रुपये 20 पैसे का प्राइस चल रहा है। और स्टॉक को लेकर देखा जाए तो एक बस ये न्यूज़ थी कि रिलायंस पावर है पोस्टेड 322 करोड़ नेट प्रॉफिट, तो इसकी भी सच्चाई जानेंगे क्या है। और 99% टूट के 12 रुपये पर आया स्टॉक, अब घाटे से मुनाफे में आई कंपनी, रॉकेट बना स्टॉक। तो इस प्रकार की कुछ न्यूज़ें ज़रूर इस आर पावर को लेकर के आ रही हैं। रिलायंस का स्टॉक है, अनिल अंबानी इसको हेड करते थे, अब तो इनका स्टेक काफ़ी कम हो गया है। कंपनियों का स्टेक अभी भी इस कंपनी में बचा है, तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। रिलायंस पावर को लेकर इसके डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इनको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें और डोंट फॉरगेट द वेल आइकन। चलिए स्टार्ट। तो कुछ फंडामेंटल कंपनी के आपको देखने को मिल रहे होंगे। प्रमोटर की होल्डिंग 25% की, और रिसेंटली प्रमोटर्स अपने स्टेक को काफ़ी बढ़ाया भी है, तब जाकर ये 25% हुई है। तो ये भी इसकी भी सच्चाई देखेंगे। और मार्केट कैप देखा जाए तो 4,500 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। डेट देखा जाए तो 21,000 करोड़, मार्केट कैप से ऑलमोस्ट 4.5 टाइम्स। फ्री कैश फ्लो डेफिनेटली नियर द मार्केट कैप, 3,500 करोड़ के आसपास का। ये सारी चीज़ें, बाकी बुक वैल्यू से तो काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी भी करंट प्राइस 12 का है, बुक वैल्यू 30 का है। स्टॉक 25 इसने हाई लगाया था, 9 रुपये इसने लो लगाया, तो अपने हाई से तो ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पर है। तो चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। डेट टू इक्विटी यही एक कारण है कि कंपनी इस प्रकार की समस्याओं का सामना कर रही है। इसीलिए जो भी हाई डेट स्टॉक्स होते हैं उनको थोड़ा सा, अगर उनका डेट घट रहा है तो ये एक अच्छा साइन होता है, लेकिन अगर डेट बढ़ता जा रहा है तो ये डेफिनेटली आप उस स्टॉक से निकलने की भी सोच सकते हैं, अगर वो कंपनी प्रॉफिट कमा करके नहीं दे रही है। और इस कंपनी में भी कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा था। तो कंपनी ने बताया था, आपने न्यूज़ देखी थी कि कंपनी को इस बार 257 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। बाकी आप पिछले काफ़ी दिनों से, सालों से देखें तो सेप्टेम्बर 2021 से ही आप नोटिस करेंगे 79 -55 -651 -102 -313 -245 +257। तो क्या कहानी है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अदर इनकम इस बार 1170 करोड़ रुपए की आई है। इस वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें बढ़ता हुआ 257 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो इसका कारण यही है कि यहाँ पर जो अदर इनकम का पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। बाकी आप इस बार इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब कंपेरेटिवली देखा जाए तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार डिक्लाइन हैविली हुआ है, माइनस नेगेटिव में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया, जबकि इनका ठीक ही रहता है 35%। लेकिन जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसकी वजह से जो इनका पूरा डेंट लग जाता है, पूरी कंपनी पे कह सकते हैं ग्रहण लग जाता है, तो इसी वजह से लग जाता है क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट काफ़ी हैवी निकल के आती है, ऑलमोस्ट 650 करोड़ रुपये की। इस बार उन्होंने 574 करोड़ की इन्होंने इंटरेस्ट कॉस्ट चुकाई है। तो ये सारी चीज़ें देखने की होती है कंपनी में कि फंडामेंटली कंपनी कितनी साउंड है। तो ये कंपनी तो आप देख पा रहे हो कितनी साउंड नहीं, क्योंकि लगातार लॉस क्रिएट कर रही है। और ये भी जो प्रॉफिट आया वो हो सकता है कि इनका पिछला बकाया हो, कोई एसेट बेचा हो, तो कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये इनकी सेल्स से नहीं आई है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो क्वार्टरली प्रॉफिट देखा जाए तो नेगेटिव में है, तो अगेन बहुत अच्छा तो लोग नहीं मानेंगे, अदर इनकम का पार्ट बस देखने वाली बात होगी, इसी वजह से कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। बाय द वे ये भी कंपनी का ही प्रॉफिट माना जाता है। बाकी सारी चीज़ें प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे तो इस बार भी कंपनी को 403 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। मार्च 2021 में जरूर 454 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, और ये सभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आया था। इसमें अदर इनकम का पार्ट 486 करोड़ था, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं था कंपेरेटिवली देखा जाए तो। ये सारी चीज़ें जरूर देखने को हमें मिलती हैं। तो चलिए बाकी सारी चीज़ें देख लेते हैं। बैलेंस शीट देखा जाए तो कंपनी के जो रिजर्व है वो 7,000 करोड़ के, और लगातार आप रिजर्व देखोगे तो 14,000 करोड़ के पड़ा बढ़ा करके 2017 में उन्होंने 18,000 करोड़ किए थे, उसके बाद लगातार इनके रिजर्व गिर रहे हैं साल बाई साल। इस बार भी रिजर्व इनके गिरते हुए दिखे हैं। डेट जरूर 30,000 करोड़ से गिर करके 21,000 करोड़ आ गया है, तो डेफिनेटली यहाँ से ही कुछ इनको चुकाया जा रहा है, इसी वजह से डेट इनका घटा है और 21,000 करोड़ के आसपास का आ चुका है, जो एक टाइम पे 30,000 करोड़ था। तो इस क्षेत्र में तो उन्होंने अच्छा किया है कि डेट 30 से लेकर के 21 तक आ चुके हैं, लेकिन इनके रिजर्व जरूर डिक्लाइन हुए हैं, और अभी भी ऑलमोस्ट रिजर्व के कंपेरेटिवली डेट 3 टाइम्स है। तो अगेन इतने अच्छे फंडामेंटल तो वैसे भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की।
तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख पा रहे होंगे कि कंपनी जहां जून 20 में लगभग 20% के आसपास स्टेक था और गिरा करके जून 21 तक तो ये 9% के आसपास आ चुके थे, वहां से इन्होंने जबरदस्त पुल बैक किया और ऑलमोस्ट 25% पर आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 25% है, क्योंकि इस बार भी इन्होंने 1% के आसपास का डिक्लाइन किया। और अगर प्रमोटर्स में देखें तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट चौंकाने वाले देखने को मिलेंगे कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का इनका स्टेक है ऑलमोस्ट 25% के आसपास, तो अकेला इन्हीं का स्टेक बचा है, बाकी किसी और का स्टेक, बड़ा स्टेक हमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर अनिल अंबानी का देखा जाए तो 0.01% है, टीना अंबानी का देखा जाए जो उनकी वाइफ है उनका भी 0.01% देखने को मिलता है। तो जो प्रमोटर्स, मेन प्रमोटर्स थे इस कंपनी के, वो तो ऑलमोस्ट निकल चुके हैं, सिर्फ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ही बचा है जो अकेले 25% के ऑलमोस्ट हिस्सेदारी को अकेला लिए हुए, बाकी रिलायंस प्रोजेक्ट वेंचर वगैरह ने भी अपनी कम्प्लीटली हिस्सेदारी को ऑलमोस्ट निकाल ही लिया है, 0.03% अवॉइड भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर देखा जाए तो FII और DII भी 7% और 3% के आसपास बने हुए हैं और इनको अभी भी ट्रस्ट है कि कंपनी ऊपर जा सकती है इसीलिए बने हुए हैं। और रिसेंटली अगर देखा जाए तो गिराया ही है इन लोगों ने भी अपना प्रॉफिट, ये लोग भी जरूर FII जरूर 5% से 8% अब ये भी डिक्लाइन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि टेक्निकली है, तो टेक्निकली देखा जाए तो स्टॉक में क्या हो रहा है, यहाँ से एक ब्रेकआउट आया था स्टॉक में, अगले दिन स्टॉक ने अच्छा मारा, वही अच्छा स्टेक ने 20% का अपर सर्किट मारा और स्टॉक फिर धड़ाम से फिर गिर गया, यही कहानी होती है पेनी स्टॉक्स की। और अब आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल सपोर्ट पे, वाओ, टेक्निकली देखा जाए तो ये एक लाइन ड्रॉ की थी मैंने काफ़ी टाइम पहले, कहीं स्टॉक पता नहीं कहाँ चल रहा था, जब मैंने देखा ही था, इस पर वीडियो तो मैंने कभी नहीं बनाया क्योंकि इतने पेनी स्टॉक्स पे क्या वीडियो बनाओ, कोई अच्छा खासा परफॉर्मेंस वगैरह तो देते नहीं है कभी कभी, लेकिन चल जाते हैं तो शॉर्ट टर्म में आप देखोगे तो यहाँ पे अगर किसी ने 11 रुपये पे लिया हो 25 रुपये शॉर्ट टर्म में डबल पैसे तुरंत कर देते हैं, इस प्रकार की भी तेज़ी देखने को मिल जाती है कभी कभी। अभी भी देखा जाए तो स्टॉक में 11 रुपये 70 पैसे के नीचे का सपोर्ट बेस बना हुआ है, कोई एक्यूमुलेट अगर करने में इंटरेस्टेड हो तो 11 रुपये 70 पैसे का स्टॉक के नीचे का स्टॉप लॉस, 11 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लेकर के इस स्टॉक में जा सकता है। और टारगेट के लिए मुझे लग रहा है कि ये टारगेट 17 रुपये 70 पैसे के आसपास के टारगेट लिए जा सकते हैं अभी भी स्टॉक में, तो ये टारगेट है। और बाकी अगर किसी को थोड़ा सा मिड टर्म के लिए जाना है तो ये लेवल अभी भी 9 रुपये 15 पैसे के आसपास, 20 पैसे के आसपास दिखाए और 8 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लेकर के इस स्टॉक में जाइए, 8 रुपये ले लीजिए, 8 रुपये 15 20 पैसे के आसपास स्टॉप लॉस लेकर के स्टॉक में जा सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टॉक्स में बहुत रिस्क रहती है, तो बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ हमेशा ऐसे स्टॉक्स में जाएं जो कि टोटल इक्विटी का लगभग कह सकते हैं 1% के आसपास हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि रिस्क काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व ऐसे स्टॉक्स में रहती है। तो ये थे रिलायंस पावर को लेकर के टेक्निकल एनालिसिस, डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और क्या आप रिलायंस पावर में इन्वेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।